औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह ताला से मेरे रब से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला सबको राहतें और खुशियाँ अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मैं शनाज़ अंजुम और आप देख रहे हैं शनाज़ अंजुम व्लॉग्स। हर बार की तरह इस बार भी आप सबसे यही गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत सारी दुआएं और जज़ाकल्लाहु खैरा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम निकल गए हैं आउटिंग के लिए, और आउटिंग के लिए कहाँ निकले हैं, हम जा रहे हैं आउटसाइड इलाकों में। वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि आप सबको पता ही है कि हम इस बार भी रेंट के मकान में ही शिफ्ट हुए हुए हैं, तो हमें अपने घर की भी नीड है। तो हम अक्सर ना विज़िट करते रहते हैं आउटसाइड इलाकों में, क्योंकि कराची में जो आउटसाइड के इलाके हैं वहीं रिहायशी स्कीमें और रिहायशी प्लॉट्स और रिहायशी विलास वगैरह बने हुए हैं, प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। वहाँ पर हमें एक रिहायशी स्कीम का पता चला कि वो बहुत अच्छे रेट पर, बहुत अच्छे इंस्टॉलमेंट पर वो बने बनाए विलास सेल कर रहे हैं। तो हम उसी का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर हैदरी भी क्रॉस कर गए हैं और अब यहाँ पर आगे के इलाके आ रहे हैं, सरजानी की तरफ हम निकल पड़े हैं। यहाँ पर मैं, शुएब और माहिरा जो कि मेरी बहू हैं, वो हम तीनों निकल पड़े हैं। हमने सुमेरा को भी कॉल की कि आप भी आ जाएँ, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा काम है और हम घर में ज़रा मसरूफ़ हैं तो वो नहीं आ सके। तो हमने अकेले ही जाने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और वीकेंड पर ही हम कहीं निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मतलूबा इलाके की तरफ आ गए हैं। आगे भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक साथ बन रहे हैं। ये मारवा भी अभी नया देखा है मारवा के नाम से, और यहाँ पर हमें ये टर्न कर दिया है हमने यहाँ पर। ये देखिए बड़े प्यारे खूबसूरत बोगनवेलिया के जो कागजी फूल हैं उनसे दरख्त के किनारों पर उनको सजा दिए हैं, माशाल्लाह पौधे लगा दिए। हैदरी और नागन और फोर के को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े तो आगे हमें अब्दुल्ला मोड़ नज़र आया। तो अब्दुल्ला मोड़ के लेफ्ट हैंड पर हमने जब टर्न लिया तो एक बहुत ही कुशादा सड़क हमें नज़र आई, और वहाँ पर एक फ्यूचर प्लानिंग की गई थी। माशाल्लाह लाइन से प्रोजेक्ट बन रहे थे और एक बड़ी मेन सड़क बहुत आगे तक जा रही थी, जो कि कुछ होटल वगैरह बने हुए यहाँ पर। एक ये सड़क यहाँ से जा रही है, अभी कौन सी सड़क कहाँ से आ रही है ये पता नहीं। एक यहाँ जा रही है अच्छा, यहाँ नॉर्थ टाउन विलास इधर भी है। तीसरा मनसूबा यहाँ बन रहा है लग रहा है मुझे ना, मुझे तो और चीज़ें खरीदी उन्होंने बोले थी अभी वाले, वो ले रहे हैं यहाँ पर जगह खरीद रहे हैं। और जी यहाँ पर देखें हम जा रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज बन रही हैं अभी, जेर तामीर हैं, बुकिंग वगैरह। मकबूल इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से यहाँ पर एक है, और ये प्रोजेक्ट शहर से बहुत ही दूर बने हुए थे, बस अल्लाह ताला की रहमत पर नज़र रख के हम निकल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, नॉर्थ टाउन विलास आ रहे हैं। हाँ अच्छा, एक नॉर्थ टाउन इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर मेरे लोगों ने मेरे ख्याल में वो मिला देंगे पीछे वाली रोड द फैक्ट्री के वहाँ जो है ना, वो चीज़ यहाँ मिला देंगे लग रहा है। ये भी कोई सोसाइटी बुकिंग ऑफिस है यहाँ पर, और किस नाम से है। और यहाँ पर भी देखिए इन्होंने बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है अपनी, तो मुख्तलिफ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ यहाँ बन रही हैं, और अभी बुकिंग वगैरह करवा रहे होंगे लोग यहाँ पर। अभी इतनी फेमस नहीं हुई है, लोग आएंगे विज़िट करेंगे तो यहाँ पर लोगों को पता चलेगा। मगर यहाँ पर अभी पल विलास के नाम से भी यहाँ पर कोई
सोसाइटी है यहाँ पर, ये पहले विलास का भी शुरू हो गया है। और ये देखें पल विलास का भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, ये इन्होंने एंट्रेंस बनाई है, मालूम करके आते हैं। और ये देखें यहाँ पर ये इनका बहुत अच्छा है, नॉर्थ टाउन विलास आगे बनेंगे। और ये हमारे पल विलास अंकल जाने दो, अंदर हम मालूम करने के लिए आए हैं, ये अंकल पूछ रहे हैं बुकिंग ऑफिस कहाँ पर है इनका। ये दे दी यहाँ से चले जाओ बुकिंग ऑफिस, और यहाँ मालूम करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या रेट चल रहे हैं। और अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी विजिट करेंगे थोड़ा सा उधर जाके। अच्छा ये कि वही लोग विजिट कराएंगे ऑफिस जाने, ये ऑफिस यहाँ पर बनाया गया है इनका। जगह तो अच्छी है, बस अल्लाह ताला दोनों मेजन के हक में बेहतर हो, जिनका ऑफिस है यहाँ। यहाँ पर हम ऑफिस में इंटर हो चुके हैं ताकि थोड़ी मालूम हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह शेब यहाँ पर मालूमात ले रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक मॉडल भी बना के रखा हुआ है ताकि लोगों के लिए आइडिया लेने में आसानी हो सके, ताकि फ्यूचर प्लानिंग इनकी क्या है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर तामीर होंगी। तो इस मॉडल को भी देख के लोग बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, और कुछ ये लोग भी समझा देते हैं। तो अब ये कितने कब तक का ये प्लान है और कब तक ये पूरा होगा, तो बस ये तमाम ये मालूमात यहाँ पर मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर तैयार बेंगलोस भी मिल रहे हैं, और ए 120 पे जो बने हुए हैं, और प्लॉट्स भी हैं यहाँ पर, और 80 गज़ के प्लॉट्स हैं, 120 गज़ के भी प्लॉट्स हैं यहाँ पर, और कुछ बने हुए बंगलोज तैयार बेंगलोज भी हैं, सेल कर रहे हैं। और वो क्या हिसाब है तो यहाँ पर ये छह मालूमात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए बड़ी फ़िक्रमंद रहती हूँ, ताकि इनको फ्यूचर में आसानी हो जाएँ और ये अपने घरों में बैठ जाएँ। तो मैं हर वक्त इनको उकसाती रहती हूँ, इनको कहती रहती हूँ कि आप विज़िट करते रहा करो, अल्लाह ताला को हमारी मदद कर दे, अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतरी करेगा। और इनको मैं बारहा ले लेकर जाती हूँ, उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि देखते रहो ताकि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला कोई आसानी के सामान कर दे और हम लोग अपने घर में बैठ जाएँ। तो ये मेरे कहने से शुएब वीकेंड पर निकल पड़ते हैं। ऑफिस से बात कर ली है, तो एक बंदा मैं विज़िट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ऑफिस से बात की, और फिर एक बंदा उन्होंने हमारे साथ कर दिया कि आपको ये विज़िट करवाएगा। ये बंदा हमें साथ कर दिया है, और माचर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी करवाई हुई है इन्होंने। देखें ये बैंगलो बने हुए हैं, 80 गज के 120 के 120 के बैंगलो यहाँ पर बने हुए हैं। वैसे तो हमने यूट्यूब में बहुत अच्छे तरीके से विज़िट कर लिया है, मगर अभी एक ही फिज़िकली यहाँ पर हम लोग विज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है, ये प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। देखते हैं अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर करे, और कोशिशें तो रहनी चाहिए कि कोशिशें हों। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर हमें बहुत जल्दी करते करते भी बहुत लेट हो चुके थे, और शाम के साए ढल रहे थे। तो ये देखिए सूरज नीचे आता जा रहा है, असर का टाइम हो गया है, और हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। शुएब से अक्सर मैं यही कहती हूँ कि कहीं भी निकला करो तो भाई जल्दी निकला करो, ताकि हम दिन ही दिन में अच्छी तरह विज़िट कर सकें। अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो कोई भी किसी भी जायज़ मकसद के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जायज़ मकसद में उन्हें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। विज़िट करने के लिए आए, और अल्लाह ताला हमारे हक़ में आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और फैमिलीज भी विज़िट करने के लिए आई हुई हैं, देखें बैंगलो दिखा रहे हैं, ये मॉडल बैंगलो उन्होंने बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ग्राउंड प्लस वन बना हुआ ये इसका गेट है, दोबारा दिखा देती हूँ मैं। गेट अच्छा चौड़ा सा बनाया हुआ है, कार पोच है यहाँ पर, और ये स्टेयर्स जा रही है यहाँ से, एक साइड से स्टेयर जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चल गया हुआ यहाँ पर कॉर्नर पर, ओपन किचन दिया हुआ है, विंडो दी हुई है किचन में एक। तो चलें व्यूवर्स, आप भी हमारे साथ विज़िट कर लीजिए कि यहाँ पर कितने रूम बने हुए थे, और ये विला कैसा बना हुआ था।
एक ही कमरा है। ये वॉशरूम है इसका, क्या मोड़ दिया मैं वॉशरूम। यहाँ पर ये हवादान दिया हुआ है, ये वॉशिंग एरिया है, और यहाँ पर ये वॉशिंग एरिया भी काफ़ी कुशादा सा बना हुआ था। यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाकर यहाँ पर नल वगैरह की फिटिंग दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये विंडो दी हुई है, एक रूम की विंडो यहाँ दी हुई बाहर वॉशिंग एरिया में। और यहाँ पर ये देखें छोड़ा मैं हवा के लिए रास्ता। यहाँ पर मैं विज़िट तो कर रही थी मगर मुझे एक ही फ़िक्र लाहिक हो रही थी कि यहाँ ये विलास शहर से बहुत दूर के फासले पर बने हुए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। ये कब आबाद होंगे और कब तक यहाँ पर और ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड होंगी। बच्चों के ऑफिस बहुत दूर पड़ेंगे और हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी वगैरह तो नहीं होगी। एक बात यहाँ पर यहाँ के अमाउंट लगा हुआ है और प्लस WC। विला तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मगर यही सोच कि हमें कुछ नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ताला से यही दुआ थी कि अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो हमारे नसीब में कर दे। और यहाँ पर भी लोग विजिट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो भी बनाती जा रही हूँ और घर का विजिट भी कर रही हूँ। फिनिशिंग वगैरह हो रही है, टाइल वाइल अच्छे लगे हुए हैं, एक ग्राउंड प्लस वन यहाँ बना हुआ है। अच्छा ऊपर चल रहे हो क्या? ऊपर चल के देखने जा रहे हो? ऊपर चल रहे हो, आ जाओ। एक यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ, ये गैलरी दी हुई ना, क्या दिया हुआ है टेरिस। वैसे देखें YouTube पे अच्छी तरह विजिट कर लिया है वैसे तो हमने, तो मैंने जो देखे रूम आगे छोटे लग रहे हैं थोड़े। हाँ वो नहीं वैसे बने में बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये इन्होंने गाड़ी पार्किंग के लिए ना, कार पार्किंग के लिए जगह दे दी है, पौधे वौधे कुछ भी लगाओ यहाँ। और ये और यहाँ पर ये फैमिली भी विजिट करने के लिए आई हुई थी। बताया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सारे के सारे प्लॉट हैं 120 वाले, और फ्रंट के ऊपर जो है महिला की बनाना। अच्छा कोई डबल अगर लेकर बनाना चाहे ग्राउंड प्लस वन अलावा। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, विलास भी अच्छे बने हुए थे और घर के बाहर जगह भी दी हुई थी कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पौधे वौधे लगा सकते हैं। आप लोगों को इसकी मुकम्मल मालूमात चाहिए तो आप YouTube पर इसका विजिट कर सकते हैं। और ये पर्ल विलास के नाम से ये सोसाइटी है और यहाँ पर हमें कुछ घरों में रिहाइश भी नज़र आई, तो हमने ये सोचा कि रिहायशी से मालूम करते हैं कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है। लेकिन चूँकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और घर के बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था तो हमने मुनासिब नहीं समझा और हम आगे निकल चुके। यहाँ पर ये अकबर जो फिर जी फिर अगर जो अपन ने नॉर्थ टाउन में वहाँ लिए वो ज़्यादा करीब पड़ेगा फिर अपन को ना, वो हाँ 19-20 है ज़्यादा। अच्छा वो अंदर जा, वो भी अंदर ही जाके है ना, हाँ वो और पीछे की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम विज़िट कर सुमेरा के घर की तरफ निकल चुके हैं क्योंकि सुमेरा के घर भी यहाँ से करीब था, तो हमने कहा सुमेरा से मिले बगैर हम नहीं जाएंगे। और कुछ गिफ्ट वगैरह भी लाए थे उसके बच्चों के लिए, वो भी देने थे। और सुमेरा ने कॉल पर हमसे ये भी कह दिया था कि अम्मी आप आएँ तो मिले बगैर मत जाइएगा, तो लिहाजा हमें जाना ही था, तो हम इसके बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर जा रहे हैं। सुमेरा की गली में आ गए हम, इस सुमेरा की एक छोटी सी गली, यहाँ मुड़ेंगे और सीधे हाथ वाली गली में मुड़ जाएँगे तो सुमेरा का घर आ जाएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा की गली में मुड़ रहे हैं और ये छोटा ये दरख्त लगा हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह, और ये पीला वाला सुमेरा का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बहुत थकावट भी हो रही थी तो हमने यही सोचा कि सुमेरा के घर थोड़ी देर बैठकर और गिफ्ट वगैरह देकर हम अपने घर वापसी के लिए निकल जाएँगे। ये टोन आ रही है भाई।
माशाल्लाह खदीजा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह खदीजा। मैं दरवाजा बजाना ही आए। अच्छा मुन्ने हटो, खदीजा का बर्थडे का टॉय है, गिफ्ट है ये इसका। खदीजा आहा वाह, ओ ओ बिस्मिल्लाह, उठा लें इसको जल्दी से, उठाएं क्या कर रही हो खदीजा? और ये बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, मुझ तब आया मत, सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं भाई। दूसरा वाला चला टॉय,